हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 44 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद देव जी की जय। पिछली ऑडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। इस बारे में मैं एक श्लोक आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा, जो 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य यानी अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूं। देखिए, आपने हमेशा सुना होगा कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्थित है। बिल्कुल ठीक है, भगवान परमात्मा का रूप धारण करके हर जीव के हृदय में स्थित हैं और वो हर जीव को इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस देते रहते हैं कि क्या करनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बच्चों के पास उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनको ये बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, लेकिन बच्चे कई बार माँ बाप की बात ना सुन के गलत काम भी करते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर अंतरात्मा, जिसको परमात्मा भी बोलते हैं, वो हमें सजेशंस देती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। खैर, जो मुख्य मुद्दा मैं यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि हर जीव के हृदय में परमात्मा होता है, लेकिन जो भक्त होता है, भक्त के हृदय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। परमात्मा और भगवान में फर्क है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अपने भक्तों के हृदय में होते हैं, परमात्मा विष्णु का एक रूप है, वो हर जीव के हृदय में होता है। कभी और गहरी चर्चा इस पे बाद में करेंगे। जो मैं इस समय डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये बात है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं खुद, वो अपने परमात्मा रूप पर डिपेंड नहीं करते। इसका एक उदाहरण मैंने सोचा डिस्कस करने के लिए, एक ऐसी सिचुएशन देखी कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति, जिसका एक बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे इंप्लॉयज है, तो डेफिनेटली वो अपने इंप्लॉयज को टाइम एंड अगेन इंस्ट्रक्शंस देता ही है। और बहुत सारे ऐसे इंप्लॉयज होते हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वो मैनेजर अपॉइंट कर देता है, और वो खुद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना देकर मैनेजर के थ्रू इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन कल को अगर उसके ऑफिस में उसका अपना बेटा ज्वाइन कर ले, तो देर इज अ हाई चांस कि वो अपने बेटे को अपने साथ अपने केबिन में ही बिठाएगा और डायरेक्ट खुद उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। देर इज अ हाई चांस वो मैनेजर के अंडर नहीं डालेगा उसको। ये फर्क होता है। इसी तरह से जो भक्त हैं, जैसे अर्जुन जी भक्त थे, तो वो डायरेक्ट भगवान से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। ये फर्क है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम गुरु के जो है ना खास विश्वास पात्र बने, उनकी सेवा करके उनका दिल जीतें, ताकि वो हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दें। माता पिता में भी कई बार होता है कि चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, जो माता पिता का ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप उनसे अपनी दिल की बातें ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा एक तरह से बताते हैं, सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेवा भाव। जो 16वां श्लोक है उसमें भी जो सबसे पहला शब्द है वो है अनंत विजय। ये जो है महाराज युधिष्ठिर के शंख का नाम था कि उनकी जो विजय है उसका कोई अंत ही नहीं है। विजय का अंत होगा कहां से? आप देखिए ना कि वो इतने शालीन स्वभाव के थे कि एक तरह से शत्रु होने के बावजूद जब उन्होंने युद्ध की आज्ञा मांगी और आशीर्वाद मांगा, तो स्वयं भीष्म पितामह, स्वयं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य उनको विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। जो उनसे युद्ध करने आए हुए वो भी, तो हम अपने प्यार से किसी को भी जीत सकते हैं, अपनी सेवा भाव से किसी को भी जीत सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रूव करके दिखाया। अर्जुन जी ने भी अपने एक तरह से साखे भाव में प्रॉपरली स्थित रहकर, और फिर बाद में अभी हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आपके शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, कृपया करके मुझे उपदेश दें। तो भगवान ने डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शंस दी, और उनके माध्यम से हमें भी भगवत गीता, प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने इतना सरल इसको एक्सप्लेन किया है, उससे पढ़कर हम खुद भी हर चीज समझ सकते हैं। तो यहां पर यही चीज इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्ट भगवान के शरणागत हों और उनसे डायरेक्ट भगवत गीता के थ्रू इंस्ट्रक्शंस लेने की कोशिश करें। अगर श्लोक पे और चर्चा करें तो इसमें आगे चल के आया है देवदत्तम धनंजय। देवदत्त जो है ये अर्जुन जी के शंख का नाम है।
इसके बारे में भी अलग अलग मैंने पढ़ा, एक जगह ये मेंशन था कि देवराज इंद्र ने इनको दिया था, इसलिए देवदत्त इस शंख का नाम था। लेकिन एक दो जगह मैंने ये भी पढ़ा कि किसी एक असुर ने उनको ये, जब उन्होंने उसको अभयदान दिया युद्ध के समय, तो उस असुर ने उनको प्रोवाइड किया था। खैर, धनंजय शब्द क्यों पढ़ा? क्योंकि अर्जुन जी ने जो है एक बार राजसी यज्ञ के लिए जब युधिष्ठिर जी ने किया तो बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, तो वैसे वो नाम तो धनंजय उनका हमेशा से ही था, तब वो नाम उनका प्रसिद्ध भी हो गया, धनंजय, है ना। और पौंड्र दद्मो महाशंखा, इसके आगे अगर हम श्लोक में पढ़ें तो पौंड्र जो है ये महाशंख, जो बड़े साइज का शंख था भीम का, तो वो भीम ने भी अपना शंख जो है वो बजाया। तो सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले जो एक तरह से लीडर थे पांडवों की साइज के, वैसे तो दृष्टद्युम्न लीडर थे कहने को, लेकिन पांडव तो हमेशा से भगवान कृष्ण को ही समर्पित थे, तो सबसे पहले सबसे टॉप लीडर ने जो है, जैसे दूसरी तरफ भीष्म ने सबसे पहले बजाया, ऐसे इधर भगवान श्री कृष्ण ने, फिर नंबर 2 रैंक पर जो थे अर्जुन, उन्होंने अपना शंख बजाया, फिर भीम ने अपना शंख बजाया, और अगले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने बजाया, फिर नकुल ने बजाया, फिर उनके छोटे सहदेव ने बजाया, फिर जो और उनके जो अनेक धनुर्धर जैसे काशीराज, शिखंडी, विराट, द्रुपद, इन सब लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए। दो शब्दों पर मैं और चर्चा यहां करना चाहता हूं। एक है भीम कर्मा वृकोदर, जो भीम है वो बहुत ज्यादा खाते थे, तो इस बारे में प्रभुपाद जी से भी कई बार क्वेश्चन हो जाता था कि कुछ भक्त जो है वो ज्यादा खाते हैं, मजाक की बात हो जाती थी, तो प्रभुपाद कहते थे कोई बात नहीं, वृकोदर में कोई समस्या नहीं है, अगर ज्यादा प्रसाद खाता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तो इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर वो भीम कर्मा भी होना चाहिए, यानी ज्यादा खाओ। तो भीम जो है वो कितने महान महान काम करते थे, आपको पता ही है कि उन्होंने जो है वो वचन से भी वो महान काम करते थे, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ली, फिर और कर्म से भी वो महान थे, उन्होंने उन प्रतिज्ञाओं को फिर पूरा भी किया। कीचक का भी उन्होंने वध किया, आप सबने कथा सुनी होगी कि वो जब अज्ञातवास में थे तो कीचक जो है वो द्रौपदी को डिस्टर्ब करना चाहता था, तो ऐसे में उन्होंने उनको बुलाकर उसके शरीर जो हाथ वगैरह उसके शरीर के अंदर ही घुसेड़ दिए थे। तो भीम जो है इस तरह के अनेक अमानवीय और अकल्पनीय कार्य किया करते थे, जिसमें उस मतलब 10,000 हाथियों का उनमें बल था, तो अगर वो ज्यादा खाते भी थे तो फिर एक तरह से वो सेवा भी ज्यादा करते थे। तो अगर हम भी ज्यादा खाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर हमें सेवा भी ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब अगले जो है ऑडियो में हम 19वां श्लोक लेंगे। हरे कृष्ण, आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।